अब ये जानते हैं कि राशि के अनुसार आपके बच्चे की जो राशि है उसके अनुसार उसकी समस्याएं क्या हैं और परीक्षा के समय सफलता के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। अगर हम मेष राशि के बच्चों की बात करें, मेष राशि बहुत चंचल राशि है, इसीलिए मेष राशि के जो बच्चे हैं परीक्षा के समय उनका मन विशेष रूप से चंचल हो जाता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है, एकाग्र नहीं हो पाता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, इसीलिए परीक्षा के परिणाम बिगड़ जाते हैं। परीक्षा के समय मेष वालों का मन चंचल हो जाता है। इसके लिए रोज सवेरे सूर्य को अपने बच्चे से जल चढ़वाइए। अगर बहुत छोटा है तो सूर्य देव के दर्शन करवाइए और कोशिश करिए कि आपका बच्चा सूर्योदय के पहले उठे या सुबह जल्दी से जल्दी उठे तो बहुत अच्छा होगा। और परीक्षा के लिए जब आपका बच्चा निकलेगा तो गुड़ खा करके जाएगा तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मेष राशि के जो बच्चे हैं उनका मन चंचल हो जाता है, सूर्य देव की उपासना से और थोड़ी मेहनत करने से उनको परीक्षा में सफलता मिल जाती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, टाइम टेबल बना के शेड्यूल बना करके बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होती, इनके प्रयास में कोई कमी नहीं होती, लेकिन परीक्षा के समय थोड़ी दुविधा रहती है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस रास्ते चलूं या इस रास्ते चलूं, इस पेपर पे ज्यादा फोकस करूं या उस पेपर पे ज्यादा फोकस करूं, दुविधा इनके मन में रहती है। हालांकि इनकी तैयारी पूरी होती है, ये मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन मन में थोड़ी दुविधा बनी रहती है। अब अगर आपकी राशि वृषभ राशि है, छोटा बच्चा है उसकी राशि वृषभ है, तो वो क्या उपाय करेगा जिससे परीक्षा में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाए, बिना दुविधा के एग्जाम दे सके? हल्के हरे रंग का रुमाल परीक्षा के दौरान अपने साथ में, अपने बैग में या जेब में रख करके ले जाएगा। परीक्षा के लिए जाते समय हरी सौंफ खा करके जाएगा, बेहतर होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि वृषभ राशि के बच्चे बड़े मेहनती हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की है उन्होंने, इसलिए किसी भी तरह के चिंता करने की या घबराहट की बात नहीं है। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि वाले तैयारी करते हैं, टेक्निकल तैयारी करते हैं, मिथुन वाले बहुत पढ़ाई कभी नहीं करते, लेकिन मिथुन वाले ये जानते हैं कि परीक्षा में नंबर कैसे आएंगे। पढ़ना एक अलग बात है और परीक्षा में नंबर लाना एक अलग बात है। तो मिथुन वाले ये जानते हैं कि कम पढ़ाई करके, सामान्य पढ़ाई करके भी परीक्षा में नंबर कैसे आएंगे, बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हो जाते हैं, अति विश्वास में जाते हैं, मैंने सारी तैयारी कर ली है, मुझे सब पता है, इस चक्कर में परीक्षा में नुकसान हो जाता है। जो अनुमान लगाकर जाते हैं, जो एक्सपेक्ट करके जाते हैं, उसमें अक्सर इनको सफलता नहीं मिलती, अति विश्वास में नुकसान हो जाता है। देखिए अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना हो, इसीलिए परीक्षा की अवधि के दौरान जितने दिनों तक आपकी परीक्षा चल रही है उतने दिनों तक अधिक से अधिक सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग आपको करना चाहिए,
जितना ज्यादा व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो दही खा करके जाएंगे, आप चाहें तो उसमें चीनी और गुड़ मिला सकते हैं, अन्यथा सामान्य दही खा करके भी जाएंगे तो आपको लाभ होगा। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि के जो बच्चे हैं, कर्क राशि के जो छात्र हैं, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, परीक्षा के लिए मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन एक दबाव अपने मन पर महसूस करते हैं हमेशा। आप कर्क राशि के बच्चों से बात करिए, उनके चेहरे पर प्रेशर दिखाई देगा परीक्षाओं का, और इसी वजह से छोटी छोटी सी गलतियां, छोटी छोटी सी चूक इनसे हो जाती है, और वो छोटी सी चूक इनको असफल कर देती है। कर्क राशि वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है शिक्षा के दौरान, परीक्षा के दौरान, और अगर इनका कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाए तो ये माइनर गलतियां नहीं करेंगे और सफल होंगे। उसके लिए मंगल को मजबूत करना होगा, और जो कर्क राशि के बच्चे हैं, या तो वो रोज सुबह परीक्षाओं के दौरान या सामान्यतः भी रोज प्रातः एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें या हनुमान चालीसा सुन लें। परीक्षा के लिए जाते समय दो चार दाने लाल मसूर की दाल के चबा करके चले जाएं। ये दो काम कर्क राशि के बच्चे अपनी परीक्षा के दिनों में जरूर करेंगे, उनके रिजल्ट्स, उनके परिणाम ठीक होंगे। सिंह राशि, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली, सबसे ज्यादा परिश्रम करने वाले बच्चे सिंह राशि के होते हैं। देखिए परीक्षा में नंबर पाना एक अलग बात है, और परीक्षा में पास होना या ज्ञान प्राप्त करना विषय का एक अलग बात है। सिंह वाले मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन इनको टेक्निक नहीं पता है कि नंबर कैसे पाए जाएंगे। इनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, लेकिन नंबर हमेशा एवरेज होते हैं, क्योंकि इनको टेक्निक नहीं पता है कि कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे लिखना है, ये तकनीक की समझ नहीं होती, और बिना लक्ष्य को जाने हुए मेहनत करते रहते हैं, और इसी वजह से इनको नुकसान होता है। सिंह राशि के बच्चे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जो परिणाम होते हैं वो हमेशा एवरेज होते हैं, क्योंकि इनको परीक्षा पास करने की और परीक्षा में अच्छे नंबर पाने की टेक्निक नहीं पता होती, और इगोइस्टिक होते हैं, बात सुनते नहीं हैं, कोई अगर समझाए तो बात पे ध्यान भी नहीं देते हैं, और इसी वजह से एवरेज रह जाते हैं। अगर आपकी राशि सिंह राशि है, आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, और आपको परीक्षाओं में अच्छे नंबर पाने हैं, अच्छा अंक पाके सफल होना है, तो क्या करेंगे, रोज सुबह एक नियम बना लीजिए, एक लोटे पानी में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। लेकिन अगर मान लिया कोई छोटा बच्चा है सिंह राशि का, सूर्य को जल नहीं चढ़ा पाता, तो कम से कम सुबह नहा करके सूर्य को प्रणाम ही कर ले। परीक्षा के लिए निकलते समय सिंह राशि के बच्चे पीली सरसों के दो चार दाने चबा करके खा करके निकलेंगे तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस करते हैं, और इनके घर वाले भी इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। कन्या राशि के आसपास के लोग बहुत अच्छा तुम करोगे, तुम 95% पाओगे, तुम क्लास में फर्स्ट आ जाओगे, ये सब प्रेशर कन्या वालों के ऊपर बचपन से रहता है। जीवन में हमेशा ये अच्छा करना चाहते हैं और शुरुआत से अच्छा करते हैं, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा होता है इनके ऊपर कि इनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। परीक्षा में अक्सर प्रेशर की वजह से ये घबरा जाते हैं, डगमगा जाते हैं।
देखिए, अगर आपके बच्चे की कन्या राशि है तो माता पिता से मेरा निवेदन है कि बच्चे के ऊपर दबाव मत बनाइए, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस कमजोर हो रहा है। कन्या राशि के बच्चे का आत्मविश्वास मजबूत हो और शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए इनके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाइए, बच्चे को अपने साथ ले जाइए और घी का दीपक स्वयं जलाइए या उससे जलवाइए। और जब कन्या राशि का बच्चा परीक्षा देने जाएगा तो परीक्षा के लिए जाते समय लौंग खा करके जाएगा। देखिए, कन्या वाले बच्चों को ये समझाने की या ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम पढ़ो, वो ऑलरेडी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनके ऊपर दबाव मत बनाइए। अगर कन्या राशि का बच्चा आपका है, आप उसके माता पिता हैं, तो कृपा करके उसके ऊपर प्रेशर मत बनाइए, उसका आत्मविश्वास खराब हो रहा है। देखिए, अलग अलग राशियों के जो बच्चे हैं उनकी कमियां कहाँ हैं, उसे बेहतर कैसे करें परीक्षा के दौरान, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन दो बातों का जरूर ध्यान रखिए कोई भी बच्चा हो। पहला, परीक्षा के लिए निकलते समय अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेगा, अगर चरण स्पर्श नहीं कर पाता तो उन्हें याद करेगा, हो सकता है उस समय पिताजी घर पे ना हो तो उनका स्मरण करके माता को प्रणाम कर लेगा। और जब आप परीक्षा में लिखने की शुरुआत करेंगे, एक अक्षर याद रखिए, एंग, ए और ए पर बिंदु लगा देंगे, एंग हो जाएगा। जब आप परीक्षा में लिखने की शुरुआत करेंगे, मन में बोलेंगे एंग, एक बार या तीन बार एंग बोल करके तब लिखने की शुरुआत करेंगे, आपको परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।